आप सबको स्वागत है। आज हम पहुंच गए हैं 2 मई के शुभकाम पर। अटेंशन और अभ्यास ये दोनों चीजें हैं, लेकिन अटेंशन के साथ में टेंशन भी आ सकता है। लेकिन अटेंशन जो है वो किस प्रकार से देना है ताकि हमें टेंशन ना हो और हम एक बैलेंस में चलें और वो बैलेंस को मेंटेन करते चलें, जहां हमें गिल्ट फीलिंग ना हो कि मैं अच्छा कर सकता था या कर सकती थी लेकिन किया नहीं मैंने, क्योंकि मेरा बैलेंस नहीं था, मैंने अपने ऊपर फोकस नहीं किया, वो फीलिंग ना आए। उसके लिए आज परमपिता परमात्मा हमें इस वरदान में सिखाते हैं कि ये सेवा के माध्यम से ना सुने आप, ये आप अपने घर में, अपने परिवार में, अपने बिजनेस में, अपने जॉब में भी इस ज्ञान को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां परमात्मा कहते हैं, अटेंशन और अभ्यास के निजी संस्कार द्वारा, हमारा फाउंडेशन ही कैसा हो, अटेंशन और अभ्यास का द्वारा स्व और सर्व की सेवा में सफलता मूर्त हुआ। खुद की भी सेवा करनी जरूरी है। लोग ज्यादातर समझते हैं खुद की सेवा का मतलब हुआ खान पीन किया, आराम किया, अच्छा कुछ देखा, मूवीज वूवीज देखी, घूमे फिरे। नहीं, सिर्फ वो नहीं है, उसमें से कुछ चीजें हैं, लेकिन अपने आप को गुणों से, शक्तियों से, वैल्यूज वर्च्यूज जिसको कहते हैं और पावर, और परमात्मा के याद से भरपूर करना, अपने मन को शांत करना, यह है स्व के ऊपर अटेंशन देना। अगर मन के अंदर बहुत कचड़ा हो, जैसे घर के अंदर बहुत कचड़ा हो, तो फिर दिन भर आपका दिन कैसा जाएगा, मूड कैसा रहेगा आपका। एग्जैक्टली वैसा ही आपके मन के अंदर बहुत सारी फालतू बातें, अपवित्र बातें, वेस्ट बातें हों, तो फिर उनको क्या करना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा। और बेस्ट टाइम क्या है, मेडिटेशन करके। तो परमात्मा कहते हैं, ब्राह्मण आत्माओं का निजी संस्कार अटेंशन और अभ्यास है। क्या है, अटेंशन देना, मेरे से कोई गलती ना हो जाए, मैं सही सोच रहा हूं कि नहीं सोच रहा हूं मैं, और अभ्यास उस चीज को, उस आदत को बढ़ाते जाना, व्यर्थ को निकालना, वेस्ट को निकालना, अपवित्र बातों को निकालना, ताकि मन हल्का रहे और हम सदा सेवा के लिए रेडी रहें। इसलिए कभी अटेंशन का भी टेंशन नहीं रखना। कभी कभी क्या होता है कि ओहो मेरे अंदर नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, ओहो मेरे अंदर अपवित्र थॉट्स आ रहे हैं, ओहो मैंने गलत देख लिया, ओहो मैंने गलत सुन लिया। नहीं, टेंशन नहीं लेना है। चीजों को देखते हुए, एक मूवी की तरह देखते हुए, उनके साथ में फीलिंग्स को नहीं जोड़ना, तो आप आराम से बिना टेंशन के अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन फीलिंग्स को अगर जोड़ दिया नेगेटिव के साथ में, तो वो फीलिंग्स और चिपकती हैं, और चिपकती, मतलब ग्लू हो गई। जैसे आपने कोई नेगेटिव चीज देख ली, सुन ली अपने बारे में या औरों के बारे में, और उसमें अपनी फीलिंग्स जोड़ ली, उसको आपने एक साक्षी होकर के नहीं देखा। अगर आपने अपने आप को आत्मा समझ करके, डिटैच कर करके, बिना रिश्तों के, संबंधों के, अगर आपने उसको डिटैच नहीं करके नहीं देखा, तो आप उसमें चिपक जाते हैं कि मेरे फलाने को ये बोल दिया, मेरे इसको ऐसे कह दिया, मेरे साथ ऐसे कर दिया, मेरे इसके साथ ऐसे। मेरा कुछ नहीं, मेरा तो एक परम पिता परमात्मा बाबा और दूसरा ना कोई। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं, इसलिए कभी अटेंशन का भी टेंशन नहीं रखना, सदा स्व सेवा और औरों की सेवा साथ साथ करो। स्व सेवा मतलब अपने मन के अंदर के कचड़े को बाहर निकालो, ताकि हम औरों की सेवा करने के लिए तैयार रहें। जो स्व सेवा छोड़ पर सेवा में लगे रहते हैं, औरों के ऊपर ही ध्यान देते हैं, जैसे होता भी ना संबंधों में, हम कभी कभी कहते हैं कि क्या करें, पूरा जीवन भर तुम्हारे ऊपर मैंने निकाल दिया लेकिन अपने ऊपर अटेंशन नहीं दिया, वो गलती किसकी है एक्चुअली। इसलिए परमात्मा सिखा रहे हैं, जो स्व सेवा छोड़ पर सेवा में लगे रहते हैं, उन्हें सफलता नहीं मिल सकती। किसमें, वो जो चाहते हैं कि औरों के साथ संबंध जो है, उनके साथ में हमने जो सेवा करी वो आगे बढ़े, लेकिन फिर भी नहीं हो पाता। क्यों, सफलता क्यों नहीं मिलती है, क्योंकि हम जिस रीति से करते हैं वो रीति, वो विधि ठीक नहीं होती है। उसमें कहीं ना कहीं हम चिड़चिड़े होकर के, हम कहीं ना कहीं क्रोध में आकर के, आवेश में आकर के, हम अपने ही मूड को नीचे करके, दबा करके, अपनी अटेंशन ना दे करके, अपने ऊपर अपना ख्याल ना रख करके, मानसिक ख्याल, शारीरिक सिर्फ नहीं, मानसिक ख्याल ना दे करके, हम जब अपनी स्थिति को बिगाड़ते हैं, तो हम औरों की स्थिति को कैसे अच्छा कर सकते हैं। तो इसलिए स्व सेवा करना बहुत जरूरी है, तभी सफलता मिलेगी। इसलिए दोनों का बैलेंस रख, आगे बढ़ो, कमजोर नहीं बनो। कोई इंसान जो कमजोर होगा वो किसी और की मदद क्या करेगा। अगर शारीरिक बल की बात करें, मानसिक को छोड़ करके, अगर आपके अंदर ताकत नहीं है, कोई इंसान फिसल रहा हो सीढ़ी से, आपके अंदर बल नहीं है, तो आप उसको पकड़ने जाओगे तो आप भी खुद उसके साथ में फिसल जाओगे। लेकिन अगर आपके बाहुबल है, आपके अंदर शक्ति है, आपके अंदर लचीलापन है, आपके अंदर स्ट्रेंथ है, तो आप उसको पकड़ के उसको रोक सकते हो। वही हुआ अब मानसिक तरीके से, आप समझ रहे होंगे ना। अब आगे बढ़ते हैं, अनेक बार के निमित्त बने हुए विजय आत्मा हूं। क्या समझना है,
कि मैंने अनेक बार अपने अंदर की कमजोरियां, कचड़े को, व्यर्थ बातों को मैंने निकाला है और मैं आत्मा अनेक बार विजय बनी हूं इस कार्य में। विजय आत्मा के लिए कोई मेहनत नहीं, मुश्किल नहीं। मैं सदा विजयी थी, सदा विजयी हूं, सदा विजयी होती रहूंगी आत्मा या होता रहूंगा। ये सब कुछ सिखाया था आपको ब्रह्मा कुमारी में। इसके और गहराई में जाने के लिए ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय में जाकर के इस ज्ञान को लीजिए। www.brahmakumaris.org विदेश के लिए .com भारत के लिए जाकर सेंटर लोकेटर पर जाइए और अपने ही सिटी में एक ब्रह्मा कुमारी सेंटर को खोजिए, ये तो गूगल कर लीजिए। ओम शांति इसके साथ।